हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ खुले बालों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल से और यूनिक हेयर स्टाइल, न्यू हेयर स्टाइल है। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इंस्टा पर मेरी फनी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, तो वहाँ पर प्रीत तिवारी 24 इंस्टा आईडी है, तो वहाँ पर जाकर उसको फॉलो कर लीजिएगा। सेकंड चैनल है उसको भी प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, प्रीत तिवारी 2 जिसका नाम है। तो इस हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सिंपली जो आपका बीच का मांग निकालना है, देन यहाँ से इस तरीके से हेयर को पकड़ना है। ओके, और इसको सिंपली आपको ट्विस्ट करना है। अगर आप इस तरीके से फ्लैट ट्विस्ट करते हो तो अच्छे से नहीं बनेगा, तो आप ऊपर की तरफ से इसको ले जाइएगा, थोड़ा आगे की तरफ ले आइएगा, उसके बाद ट्विस्टिंग स्टार्ट कीजिएगा। तो ये हेयर स्टाइल आपका अच्छे से बन जाएगा। हल्का हल्का सा इसको खींच लेंगे, थोड़ा लुक अच्छा आ जाए इसके लिए। अब आपको इसको बैक साइड में क्लिप से सिक्योर कर देना है। फिर से आपको यहाँ बीच की मांग से इस तरीके से फिंगर को लेके जाना है, इस तरीके से पकड़ना है। जो आपने हेयर लिए हुए हैं उनको ऊपर की तरफ से कॉम करके लेके जाना है। थोड़ा फ्रंट में लेके आएंगे और फिर से ट्विस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ट्विस्टिंग करने के बाद से अगेन इसको थोड़ा थोड़ा खींचेंगे और बैक में ले जाके क्लिप से सिक्योर कर देंगे। और दैट्स इट, आपका फ्रंट ओपन बालों में ये क्यूट सा सिंपल इजी क्यूट हेयर स्टाइल बन के रेडी है, जो कि आप साड़ी पे भी बना सकते हो एंड सूट पे भी बना सकते हो। मैरिड, न्यू मैरिड वुमेन हो तो भी आप इसको हेयर स्टाइल को ट्राई कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये फर्स्ट हेयर स्टाइल, आई होप कि पसंद आया हो। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। जो सेकेंड हेयर स्टाइल है वो जिसके भी बहुत ज़्यादा बेबी हेयर्स फ्रंट से दिखते हैं उसके लिए है। तो आपको सिंपली यहाँ से थोड़ा थोड़ा हेयर लेके जाना है और ट्विस्ट करते जाना है। तो जिसके बहुत ज़्यादा बेबी हेयर्स की प्रॉब्लम है वो ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको इन हेयर स्टाइल की नीड्स ना हो, लेकिन जिनको है, जिनको ज़रूरत है, उनके पास आप ये शेयर कर सकते हो। फैमिली फ्रेंड जिसके जिसके पास भी बहुत ज़्यादा बेबी हेयर्स की प्रॉब्लम है या हेयर फॉल होता है, उनको आप ये हेयर स्टाइल सेंड कर सकते हो, जिससे कि शेयर कर सकते हो, जिससे उनको हेल्प मिलेगी। और क्लिप्स को हाइड कर देना है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी करना है। एकदम छोटे छोटे हेयर्स जो होते हैं उसको पकड़ते जाना है, साथ में छोटे छोटे हेयर लेते जाने हैं। हमारे अक्सर साइड स्कैल्प पे बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं, जिनकी वजह से हमारा हेयर स्टाइल जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, जिससे कि आपका हेयर स्टाइल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जो हमारे यहाँ के भी छोटे छोटे हेयर होते हैं वो भी इन हेयर स्टाइल में आ जाएंगे। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया, जिसके बहुत ज़्यादा बेबी हेयर्स हैं उन वो ये हेयर स्टाइल बना सकते हैं और अपने हेयर को मैनेज और अच्छा लुक दे सकते हैं। जिनके बहुत स्ट्रेट हेयर होंगे ना, उन पे बहुत प्यारा लगेगा ये हेयर स्टाइल, चाहे जो मैंने फर्स्ट में बताया था वो भी हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल है। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। जो थर्ड हेयर स्टाइल है उसको आपको यहाँ से निकालना है, खुले बालों में बीच मांग से। ये 3 बहुत ही खूबसूरत से हेयर स्टाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्राउन एरिया से हेयर लेना है और थोड़ा थोड़ा हेयर इसके साथ मिलाते जाना है।
ओके इस तरीके से हेयर को खींच लेना है जिससे कि जो आपकी स्कैल्प है वो ज़्यादा ना दिखे, और फ्रंट से ऐसे ही आपके लेयर्स को छोड़ देना है। ओके, और बैक में एक क्लिप से सिक्योर कर लेना है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी करना है। यहाँ से थोड़ा सा लेयर लेना है बालों का, और थोड़ा थोड़ा हेयर इसमें ऐड करते जाना है। ओके, इसको ट्विस्ट कर लिया हमने, हल्का हल्का खींचना है जैसे पहले बताया मैंने, और टिक टैक क्लिप से सिक्योर कर देना है। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल है जो कि खुले बालों के साथ काफ़ी प्यारा लगेगा। ये तीनों हेयर स्टाइल न्यू मैरिड वुमेंस के लिए बहुत बेस्ट रहेंगे, एंड साड़ी पहन रहे हो, सूट पहन रहे हो, न्यूली आपकी मैरिड हुई है, तो आप ये तीनों हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। सर्दियों का टाइम है तो बाल ओपन रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये हेयर स्टाइल अभी ट्राई कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए। तो गाइज़, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम कौन सा सेटिंग स्प्रे अच्छा रहेगा, तो गाइज मैंने बहुत बार बताया, मेरे पास तो अभी एक ही है, एंजो का सेटिंग स्प्रे, मैं जो कि खुद मैंने ट्राई किया है, लॉन्ग टाइम से ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे ये बेस्ट लगता है, तो मैं अभी सिर्फ इसी के बारे में बता सकती हूँ। जैसे ही मैं कोई न्यू हेयर सेटिंग स्प्रे यूज करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर ट्राई करूँगी। और मैंने यहाँ पे एक जेल यूज किया था, तो जेल अभी मुझे दिख नहीं रहा है, जैसे ही हाँ मिल गया, ये वाला जेल भी आप यूज़ कर सकते हो अपने बालों को सेट करने के लिए और अच्छा लुक देने के लिए। तो ये सेट वेट का जेल है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि बॉयज़ ही यूज़ करेंगे, जिनके भी हेयर लॉन्ग हैं, गर्ल्स हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं। सिल्क बन, लो बन, हाई बन बनाने के लिए आप ट्राई कर सकते हो। तो अभी मुझे इसी एनजो के सेटिंग स्प्रे के बारे में पता है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, आपके बालों को अच्छे से होल्ड करता है, जैसे आप रखना चाहते हो वैसे रहता है, आपके बेबी हेयर्स को स्मूथ बना देता है, एंड आपका जो बाल अनमैनेज रहता है उसको भी मैनेज करता है। तो मैं इसके बारे में बता सकती हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम कुछ दूसरा यूज करने ट्राई करने वाली हूँ, तो वो जैसे ही मैंने ऑर्डर कर दिया है आ जाता है, तो मैं बताती हूँ आप लोग को कि उसका रिजल्ट कैसा है और कैसा वर्क करता है वो। तो आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। ये तीनों हेयर स्टाइल न्यूली मैरिड वुमेंस के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड आप भी ओपन हेयर रखना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो, और मीडियम, लॉन्ग, शॉर्ट, तीनों टाइप के हेयर पे ये चलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।